हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बिल्कुल ही ईजी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब ये है कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, और जो हाइपोटेन्यूस है वो है 13 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया फाइंड अदर टू साइड्स। अदर टू साइड का मतलब क्या हुआ? देखो, एक साइड जो हाइपोटेन्यूस है वो तो हमें पता है 13 सेंटीमीटर है, बाकी की जो दो साइड मतलब एल्टीट्यूड और जो बेस है ये हमें बताना है। अगर मैं आपको फिगर बना के समझाऊं तो देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी। टेंशन वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल ईजी तरीके से प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, इसमें पहली बात क्या बोली गई थी कि भाई जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ए बी है ये इसका बेस है, जो ये बी सी है ये इसका एल्टीट्यूड है, और क्योंकि ये एंगल राइट एंगल है तो सामने वाली साइड यानी ए सी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो भाई हाइपोटेन्यूज जो है वो तो हमें पता है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो बेस जो है यानी कि ए बी वो एक्स सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो अगर बेस x सेंटीमीटर हो गया तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस होगा, यानी कि x से 7 लेस का मतलब 7 माइनस कर दो, इतना हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड यानी कि BC, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे फिगर में किया उसी को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन में मैंने लिखा लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी कि जो ये बेस था इसको मैंने x सेंटीमीटर अज्यूम किया। अगर ये x है तो जो यहाँ पर एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, जो इसका एल्टीट्यूड है वो अपने आप कितना हो जाएगा, इससे 7 कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज यानी कि जो AC है वो तो हमें पता ही है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यानी कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है इसमें अगर हम देखें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है अपना, 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर देखो किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है ये। इसमें हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो जो 90 के सामने वाली साइड है यानी कि जैसे यहाँ पे AC है उसका अकेले का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड बच गई ट्रायंगल की इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो 90 के सामने वाली साइड है वो अकेली रहेगी, बाकी उस तरफ दोनों रहेंगी, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस वैल्यू रख देनी है भाई। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, देखो ए बी हमें पता है, ए बी कितना है, x है, तो ए बी की जगह x लिखा और x का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर है, बी सी हमें पता है x माइनस 7 है, तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। ए सी का स्क्वायर है, ए सी हमें पता है 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो सिंपली क्या करना है यहाँ पे, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि भाई ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह है प्लस बी की जगह क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ए की जगह क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है 7 है,
ठीक है, ये जो इज इक्वल टू है ये मैंने यहाँ पे लगाया, और 13 का स्क्वायर कितना 169। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और यहाँ पर कितना हो गया 7 × 2 = 14, यानी कि हो जाएगा 14x इज इक्वल टू कितना 169। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, वो तो खैर लिखी हुई है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्स वाली टर्म लिखेंगे, कितना है माइनस 14x, उसके बाद ये आएगा 49, और ये जो चीज़ है इसको आप इस तरफ ले आओ, माइनस में आएगा ये, यानी कि माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस कितना है 14x, ठीक है, यहाँ पे 169 माइनस का है और 49 प्लस का है, मतलब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो 169 में से ये गया, कितना बचेगा 120। अब क्योंकि इसमें से घटाया तो इसके आगे निशान देखेंगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, जिसमें से हम घटा रहे हैं उसी का निशान लगाते हैं। अब देखो आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 120 भी 2 के टेबल में आता है, ठीक है ना, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है, बट इससे क्या होगा क्वेश्चन हल्का लगेगा। तो यहाँ से इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 7, 120 को 2 से डिवाइड करें हो जाएगा 60 इज इक्वल टू है 0, ठीक है। इसके बाद देखो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मेथड मैंने आपको बता रखा है, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 × 1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 60, और अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस है अगर, तो इन्हीं दो नंबरों को माइनस करके वो आना चाहिए जो बीच में है, बीच में नंबर क्या है देखो 7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और माइनस करके 7 आए वो ढूंढना है, तो आप इसको आराम से सर्च कर सकते हो 12 और 5, 12 × 5 करोगे 60 आएगा, और 12 − 5 करोगे 7 आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बस क्या करना है कि जो ये 7 था, ठीक है, इसकी जगह 7 की जगह आपको लिखना है 12 − 5, ठीक। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, इस माइनस को रहने दो, बस जो ये 7 है इसकी जगह आप लिख सकते हो 12 − 5, क्योंकि भाई 12 − 5 अभी वैल्यू 7 है, और जो ये एक्स है यहाँ लिखो माइनस में 60 इज इक्वल टू है 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12, साथ में ये एक्स भी आएगा, यानी कि माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस 5, और साथ में ये एक्स है, माइनस में है 60 इज इक्वल टू है 0, ठीक। तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो जो भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से देखो 5 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12 × 5 = 60 होता है, यानी 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये दोनों सेम आए हैं, मतलब हमने सही किया, इन्हीं को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस 12 हमने कॉमन लिया, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो बाहर क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ बाहर क्या बचा हुआ है, प्लस 5 बचा हुआ है इज इक्वल टू कितना है 0। तो अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है, जब या तो इनमें से एक 0 या फिर दोनों ही 0, तो मतलब अगर 0 है तो हम बोलेंगे या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, या दोनों ही 0 है, ठीक है। तो अगर x माइनस 12 0 है तो x की वैल्यू हो गई 12, ठीक है, और अगर x प्लस 5 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 5 आ गया, तो हम बोलेंगे भाई x इज इक्वल टू माइनस 5 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x एक लेंथ है, ठीक है ना, आप देखो अगर तो x क्या है, ab की लेंथ है, ठीक है, और लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, तो हम बोलेंगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये केस तो कैंसिल हो गया,
तो हमारा आंसर होगा एच इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब x क्या था, x था ए बी की लेंथ। तो एक तो बात हमें ए बी निकालनी थी, दूसरी बात हमें दूसरी साइड यानी बी सी भी तो निकालनी थी x माइनस सेवन। तो ए बी तो पता लग गया, ठीक है, ए बी तो हमें पता लग गया, ए बी सीधा सीधा x था और ये आ गया 12। तो यानी कि ए बी तो हमें पता है 12 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी चीज़ हमें बी सी भी निकालनी थी जो कि थी x माइनस सेवन यानी एल्टीट्यूड। x की वैल्यू 12 है, 12 माइनस सेवन यानी कि 5। तो बी सी पता लग गया 5। तो एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, ठीक है ना, और एक साइड 13 तो हमें बताई ही हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक, तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बोला गया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। मतलब कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कि ये देखा जाता है कि किसी खास दिन जो हर एक आर्टिकल बनाने का खर्चा आया वो 3 ज़्यादा था जितने भी आर्टिकल उस दिन बने थे उसके डबल से। इसके बाद हमसे बोला गया है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब कि अगर उस दिन जो टोटल कॉस्ट आई वो 90 रुपये आती है तो बताओ कितने आर्टिकल्स बनाए गए थे और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में मैंने लिखा लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो अभी आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने मान लिए हमने, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल्स बनाए गए थे, ठीक है, कितने आर्टिकल्स बनाए गए थे, एक्स बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो क्या बोला गया है कि भाई जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट होगी रुपीज़ में वो 3 मोर होगी, 3 ज़्यादा होगी, किससे, डबल से, ट्वाइस से, किसके डबल से, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के डबल से या ट्वाइस से। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल हमने कितना माना, एक्स माना, तो एक्स का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इससे 3 ज़्यादा क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, ट्वाइस क्यों किया, डबल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसका डबल कर दो। 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है उससे 3 ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और चीज़ हमें बताई गई है, हमें बताई गई है टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट थी उस दिन की वो भी हमें बताई गई है, कितनी बताई गई, 90। 90 क्या है, टोटल कॉस्ट है। ठीक है भाई, तो यानी कि टोटल कॉस्ट अगर 90 यानी कि 90 है तो आप सोचो यार टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी। भाई कितने आर्टिकल बनाए आपने, एक्स आर्टिकल बनाए, ठीक है ना, और हर एक को बनाने में यानी ईच आर्टिकल को बनाने में खर्चा कितना आया, 2x प्लस 3 रुपीज़ का आया। तो मतलब कि 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो x से इज इक्वल टू 90। ये हमने क्या किया है, ये है कितने आर्टिकल बनाए गए हैं और ये हर एक की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, इसको सिंपली आप समझ सकते हो कि भाई अगर आप एक आर्टिकल 5 रुपये में बनाओगे और अगर आपने 3 आर्टिकल बनाए तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 5 × 3 यानी 15। तो टोटल कॉस्ट 15 कैसे आ रही है, कितने आर्टिकल थे, हर एक की कॉस्ट कितनी थी, इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो वही हमने भी यहाँ पर किया है, अपने पास x नंबर ऑफ आर्टिकल थे, हर एक को बनाने में इतनी कॉस्ट आई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, तो यहाँ से देखो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, फिर x इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और जो ये 90 है इसको इस तरफ ले आओ, ये आ जाएगा -90 इज इक्वल टू बचेगा 0। तो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, कितना आता है, 180 क्यों, क्योंकि 90 × 2 180 हुआ। ठीक, और अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, मतलब माइनस का साइन है, तो इन्हीं दोनों को माइनस करके, ठीक है, वो आना चाहिए जो बीच में है, बीच में कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 15 और 12। ठीक है, आप सोच सकते हो 15 × 12 करोगे 180 आएगा और 15 − 12 करोगे 3 आएगा। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट नहीं सोच पाता, ठीक है, कि 15 और 12 ही होगा, तो वो क्या करे, जो डायरेक्ट नहीं सोच पाता वो फैक्टराइज़ करे। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए यानी कि 180 उसको फैक्टराइज़ करते हैं हम। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो आपको ये करना है, नहीं तो ये स्टेप छोड़ देना है। ठीक है,
तो यहाँ से 2 से करा 90 आया, 2 से करोगे 45, 2 जा 90, 3 से करोगे 15, 3 जा, उसके बाद देखो 3, 5 जा 15, फिर 5 बन जा। ठीक है, जब आपने ये कर लिया तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं इनको दो ग्रुप में बांटना है। ठीक है, और देखना है कि उनको माइनस करके 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 जा 4 आया, अगर मैं एक ग्रुप में 4 बनाऊँ और दूसरे में 3 जा 9, 5 जा 45, तो क्या 45 और 4 को माइनस करके 3 आता है? नहीं आता, मतलब ये हमने नहीं लेना। ठीक है, हमें कोई और ग्रुप बनाना है। अब फिर मैंने क्या किया, 2 जा 4, 3 जा 12, एक तो 12 हो गया और एक यहाँ पे बचा 3, 5 जा 15। क्या 15 और 12 माइनस करके 3 आता है? बिल्कुल आता है, तो मतलब यही हम लेंगे, मतलब 15 और 12। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको तब करना है जब आप ना सोच पाओ। अगर आपके दिमाग में आ गया है कि वो नंबर कौन कौन से होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है। ठीक, हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, बस जो बीच में 3 है इसको हम लिखेंगे 15 माइनस 12। ठीक, तो प्लस जो ये 3 था इसको मैंने लिखा 15 माइनस 12, और बाहर क्या है, x है तो x लिख दो, माइनस में कितना है 90 है, इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर, 15 × x हो गया 15x, −12 × x हो गया −12x, ये −90 अपनी जगह पे और इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कॉमन x, यहाँ से आपने बाहर लिया, बच गया 2 और x, यानी 2x, प्लस यहाँ से आप x बाहर ले चुके हो, 15 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो 12 और 90, ठीक है 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 6 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से −6 कॉमन लो। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पे आएगा 6 × 2 = 12, x भी है। ठीक है, आपने माइनस कॉमन लिया है तो मतलब ये निशान का उल्टा आएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर 6 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 90 आ जाए, 15 बार। ठीक है, 15 × 6 = 90 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x + 15 दोनों जगह हैं, कॉमन ले लो। तो यहाँ से 2x + 15 कॉमन आ गया, यहाँ बचा हुआ है x और यहाँ बचा हुआ है −6, इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ से अगर 2x + 15 0 है या फिर x − 6 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी −15/2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6। अब देखो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम लेंगे x = 6। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या था पहले वो सोचो। ठीक है, x था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था x भाई। अब कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल या तो एक बनाएगा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा, मतलब इंटीजर में होगा, वही पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में या फिर माइनस में, यानी कि नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए ये नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, एक्स यानी कि 6। ठीक है, और कॉस्ट, ठीक है कॉस्ट भी निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी। ठीक है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, देखो 2x + 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, 2x + 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2x की वैल्यू है 6 प्लस में 3, 6 × 2 = 12, 12 में ये 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 रुपीस। ठीक है, तो मतलब 6 आर्टिकल बनाए गए थे उस दिन और हर एक की कीमत थी 15 रुपये, 15 को 6 से गुणा करोगे हो जाएगा 90, जो कि टोटल कॉस्ट आई थी। ठीक है ना, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, 90 टोटल कॉस्ट थी उस दिन। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।